बुरहानपुर जिला के थाना खकनार पुलिस की अवैध हथियार निर्माण और परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पांगरी से पिस्तल लेकर आ रहे आरोपी को पांगरी फाटे के पास गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। और इसी दिशा में थाना खकनार ने एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, क्योंकि हमारी सूचना संकलन के तमाम स्रोत जारी है और उसी कड़ी में आज एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने साथ में दो पिस्टल लेकर निकलने वाला है। इसके संबंध में सुनील नामक व्यक्ति भी था। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से अपनी टीम गठित की थी और पांगरी में इस व्यक्ति को पकड़ा था। सुनील पिता किशन, ये पांगरी का ही रहने वाला था, 27 वर्षीय युवक है। जब इससे तलाशी ली तो इसके पास से दो पिस्टल, जो अवैध पिस्टल है, बने हुए मिले थे। इससे त्वरित रूप से पूछताछ करने पर यह बताया था इसने कि ये पाचोरी से ही किशन पिता महताब सिकलीगढ़ से लेके आया। तो इस तरीके से जो खकनार पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्रों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, कुल 12 पिस्टल हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं।